वेलकम टू सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनके मुतलिक हम पढ़ेंगे कुछ एम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना <coughs> चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल थ्री ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसका सही जवाब है राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट right नहीं है फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट पहले ये था अब नहीं है Question second The Forty Second Amendment Act of nineteen seventy six made change to which fundamental right? Subseja the change ki hai, Right to Constitutional Remedies. Next question The eighty sixth Amendment Act of two thousand two inserted which provision into the constitution to make एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स एटी सिक्स एमेंडमेंट एक्ट है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन फोर विच एमेंडमेंट एबॉलिश अन टचलिटी एंड मेड इट्स प्रैक्ट्स पुनिशेबल बाई लॉ अन टचबिलिटी को एबॉलिश किया गया था और इसको किया था नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट Ne. Question fifth, the ninety seventh Amendment Act two thousand eleven added which fundamental right to the Constitution. Ninety seventh Amendment Act Ne right to food go. Question six, the right to privacy was declared a fundamental right under which amendment to the Constitution? यह कोई अमेंडमेंट नहीं था बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के केस में नॉट लिस्टेड इन अमेंडमेंट्स इट वाज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पुट्टुस्वामी स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया Question seven, which amendment provided reservation for economically weaker sections in educational institutions and public employment. Economically weaker sections ko the 103rd Amendment Act reservation. The 86th Amendment Act 2002 added which clause to Article 21 of the Constitution making free and compulsory education for children aged six to fourteen years. फंडामेंटल राइट इसका क्लॉज बी है ऑप्शन बी है क्लॉज बी सही आंसर क्वेश्चन नाइन है विच एमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट बनाया गया था एजुकेशन को वो था एटी सिक्सथ एमेंडमेंट एक्ट क्वेश्चन टेन, द 97th एमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स इसको किया था 11th शेड्यूल शेड्यूल 11th को ऐड किया गया था next question is the 76th amendment act 1994 added which category of reservation in educational institutions for socially and educationally backward classes other than scs and STs score 27% here. which amendment abolished the practice of bounded labor and made its enforcement a fundamental right? 71st amendment. एक्ट ने एबॉलिश किया था बॉन्डेड लेबर को किसी को जबरदस्ती मजदूरी पे नहीं रख सकते हैं क्वेश्चन थर्टीन द एटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड आर्टिकल सिक्सटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल इन प्रमोशन गवर्नमेंट जॉब्स ये था एस सीज एंड एस टीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स The 86th Amendment Act 2002 inserted which article to make education a fundamental right for children aged 6 to 14 years? This Article 21A. This is the answer. Question 15 Which amendment introduced the right to education as a fundamental right under Article 21A of the Indian Constitution? This is the 86th Amendment Act. Question sixteen: The Hundred Third Amendment Act, two thousand nineteen, inserted which article to provide reservation for economically weaker sections in educational institutions and public employment? Its correct answer is Article fifteen six. Question seventeen: Have which amendment abolished the right to property as a fundamental right? ये था फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट क्वेश्चन एटीन है द सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू इंट्रोड्यूस प्रोविजन रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज ये डायरेक्टली अर्बन एरियाज का है तो म्यूनसपलिटीज़ है Question 19, the 77th Amendment Act 1995 added which clause to Article 16, allowing the state to make reservations in matters of promotion for SCs and STs? It's correct answer is Clause 6. 20th Question, which amendment made change to Article 21 of the Indian Constitution? making the right to life and personal liberty subject to laws enacted by the state iska sahi jawab hai 44th amendment question 21 hai the 93rd amendment act 2005 inserted which clause in article 15 Allowing the state to make special provisions for the advancement of any economically weaker sections of सेक्शनजन और ये है सिक्स, वही ऐड किया था नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ने क्वेश्चन ट्वेंटी टू है विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स इसका सही जवाब है एटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट Question twenty-third: Had the Forty-fourth Amendment Act, 1978, made which of the following changes to Article 19 of the Indian Constitution? Iska correct answer B part: Restricted existing freedoms. क्वेश्चन ट्वेंटी फोर द नाइन्टी नाइन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फोर्टीन विच प्रोविजन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश द नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसका सही जवाब है आर्टिकल हंड्रेड ट्वेंटी फोर बी इसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था The hundred and fifth amendment act twenty nineteen extended the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies for how many years? Or is correct Jawab had 10 years? Question 26 hai. The 97th Amendment Act 2011 added which part of the Part of the Constitution, Indian Constitution, to provide for the constitution of cooperatives societies, cooperative societies. Its B part hai, Part 9A. Question 27: Which amendment introduced the right to information as a fundamental right under Article 19(1A) of the Indian Constitution? Its correct answer is not listed in amendments. It was recognized by the Supreme Court in the case of S.P. Gupta vs Union of India. फॉर्मेशन एस पी गुप्ता और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह इंट्रोड्यूस किया था क्वेश्चन ट्वेंटी एट है द सेवेंटी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फाइव एट विच क्लास टू आर्टिकल सिक्सटी अलोइंग स्टेट मेक प्रोविजन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन फॉर एस सीज एंड एस टीज इसका क्लाज फोर है क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन है दाइनटी अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फोटी सॉट टू द नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन इसका सही जवाब है कॉलेजियम सिस्टम ए पार्ट को रिप्लेस किया गया था जज के अपॉइंटमेंट के मामले में लास्ट क्वेश्चन दिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी नाइन लवर्ड दोटिंग एज फ्राम ट्वेंटी वन टू एटीन ईयर्स बाई अमेंडिंग विच आर्टिकल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसका सही जवाब है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी अमेंडमेंट किया गया थाज को इक्कीस से अठारह किया गया था यह था आज का हमारा टॉपिक अमेंडमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को शेयर और लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू